Good morning, dear students. Welcome back in our English class. So, today our topic is articles. So, tell me, students, what are articles? Yes, a, an, and the. These are called articles. For example, please give me a pencil. He saw a snake in the grass. Please give me an orange. The principal is in the office. So here, a, an, and the. These are articles. So next is kinds of articles. Here are two kinds of articles. First is indefinite article. Second one is Definite article. A and N, an, these are called indefinite articles, and the is called definite articles. So, students, today we will do indefinite articles. So, what are indefinite articles? I have told you that A and N, these are called indefinite articles. आर्टिकल्स सो so, इसके यूज क्या हैं दे आर यूज विद सिंगुलर एंड काउंटेबल सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्उंटेबल नाउंस मीन जिसे हम काउंट कर सकते हैं सिंगुलर मीन्स किसी एक चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं अ और एन आर्टिकल फॉर एग्जाम्पल ही वॉन्ट्स टू बी अ राइटर अब यहाँ देखिए राइटर इज़ अ सिंगुलर एंड ऑल्सो वी कैन काउंट राइटर को हम काउंट भी कर सकते हैं राइटर्स होता तो हम इसको प्लूरल में लेते लेकिन हेयर यहाँ क्या है काउंटेबल नाउन मीन्स वन राइटर ही वॉन्ट्स टू बी अ राइटर तो राइटर यहाँ काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है तो वी विल यूज अ आर्टिकल इज हेयर नेक्स्ट इज अ इज़ यूज बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद अ कॉन्जोनेंट साउंड आर्टिकल्स का यूज करते हुए सबसे पहले हम कहा ध्यान रखते हैं उसकी साउंड की तरफ फॉर एग्जाम्पल अ बिजी पर्सन अ बिजी पर्सन बिजी से पहले हमने एडजेक्टिव से पहले हमने क्या लगाया अ आर्टिकल क्यों लगाया देखिए ब जो साउंड है ब साउंड वो कॉन्जोनेंट साउंड है वॉल कौन से होते हैं ए ई, आई ओ यू ठीक है इनकी साउंड के साथ हम एन आर्टिकल यूज करते हैं बट जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है उनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं अ आर्टिकल ठीक है अब यहाँ क्या है कॉन्सोनेंट साउंड तो हम क्या यूज़ करेंगे ए बिजी पर्सन नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी अब ये वर्ड जो है यू से स्टार्ट होता है दिस वर्ड यू इज स्टार्टिंग यूनिवर्सिटी इज स्टार्टिंग विद अ वोवेल बट द साउंड इज यूनिवर्सिटी विच इज नॉट अ वोवेल चूंकि वोवेल नहीं है सो हम यहां क्या पुट करेंगे अ आर्टिकल नेक्स्ट एन का यूज हम कैसे करते हैं यूज ऑफ एन एन इज यूज बिफोर वर्ड्स वॉवल साउंड जो वॉवल साउंड से स्टार्ट होते हैं जिनकी साउंड वॉवल आती है उनके साथ हम क्या लगाते हैं एन आर्टिकल फॉर एग्जाम्पल एन इंजीनियर इंजीनियर वर्ड स्टार्टिंग विद वॉवलो वी यूज एन आर्टिकल एन आर्टिकल इज हेयर तो हम एन आर्टिकल कब यूज करेंगे जब साउंड वॉवल साउंड आती है A E I O U. नेक्स्ट इज एन ओनेस्ट पर्सन अब दर्ड starting इज स्टार्टिंग consonant. अब consonant से स्टार्ट हो रहा है H से स्टार्ट हो रहा है H इज नॉट अ vowel, बट यहां इस वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए हम क्या बोलते हैं Honest. H इज साइलेंट here. H यहाँ साइलेंट होता है सो here वी विल यूज एन आर्टिकल क्योंकि ये वर्ड जो है ओ से स्टार्ट हो रहा है इसकी साउंड ओ से स्टार्ट हो रही है तो ओनेस्ट पर्सन एन ओनेस्ट पर्सन हेयर इज एन एक्सरसाइज फॉर यू यूज ए और एन आर्टिकल ओके सो डू इट केयरफुली सो बाय हैव डे